आज मैं बनाने वाली हूँ करेले, और ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। जिस तरीके से कम तेल में मैं ये करेले बनाती हूँ, ये करेले काफी टेस्टी बनते हैं। जैसे कई बार करेले खाने का तो मन करता है सबका, लेकिन उन्हें कड़वे करेले लगते हैं तो वो इन्हें बनाना पसंद नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से आज मैं ये करेले बनाऊंगी तो ये करेले सभी खाना पसंद करेंगे। उसके लिए मैंने आधा किलो करेलों में नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इन्हें अच्छे से धोकर इनका पानी निचोड़ लिया। फिर मैंने इनमें आधी चम्मच हल्दी लगाकर 10 मिनट के लिए रख दिया और फिर इन्हें दोबारा से फिर निचोड़ लिया। करेले के बीज मेरी बेटी को काफी पसंद है, इसलिए मैं निकालूंगी नहीं, आप चाहो तो निकाल सकते हैं। अब मैं इन करेलों को सरसों के तेल में कुरकुरा होने तक फ्राई करूंगी। फ्राई होने के बाद देखिए ये करेले ब्राउन ब्राउन कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं सरसों के तेल में प्याज को डाल दूंगी और उसके साथ ही उसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करूंगी। अब मैं सरसों के तेल में जीरा, मेथी, सौंफ और उसके बाद इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। टमाटर सॉफ्ट होने तक मैं इन्हें कुक करूंगी। उसके बाद धनिया, लाल मिर्च और हल्दी डालकर फिर फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं इसमें अमचूर डालूंगी। अमचूर डालने के बाद इसमें मैं फ्राई की हुई करेले डालूंगी। इन्हें 2 से 3 मिनट तक मैं पकाऊंगी। उसके बाद इसमें मैं फ्राई की हुई प्याज डाल दूंगी और फिर लो फ्लेम पर इनका तेल छोड़ने तक अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी और इसका कड़वापन बिल्कुल दूर करने के लिए इसमें मैं 1 छोटी चम्मच चीनी डाल दूंगी। उसके बाद करेलों को लो फ्लेम पर मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी ताकि चीनी भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी और करेलों को निकालूंगी। इस तरह से बनी हुई ये करेले की सब्जी मेरी बेटी की फेवरेट है और वो इन्हें डेली खाना पसंद करती है।